तो भाई अभी जा रहा हूँ बाल कटवाने, क्योंकि भाई मुझसे नहीं चला जा रहा, वैसे ही मुझे इतनी चिड़न होती है और बालों की वजह से और हो रही है, तो मैं जा रहा हूँ। और कोई मुझे ये बता सकता है कि वेडनेसडे, ट्यूसडे और ये सब जगहों में क्यों बाल नहीं कटाना चाहिए, ज़रा हमको बता सकता है कोई जानकार आदमी हो, कोई तो बताए ट्यूसडे वेडनेसडे ये सब में बाल क्यों नहीं कटवाने चाहिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देख रहे हैं वापस से मुझको, और आज का ब्लॉग शुरू होता है रात से, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी पार्टी में, हमारे अंकल आंटी की एनिवर्सरी है तो उनकी पार्टी में जा रहे हैं। तो अभी जस्ट रेडी हो चुका हूँ, और हो सकता है आपको वो शॉर्ट में या इंस्टाग्राम की रील में देख रहे हैं। इंस्टाग्राम वाले लोग भी फॉलो कर लो सैयद फर व्लॉग्स, सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं। और ऐसा कुछ लग रहा है मैं भाई, पूरा पीछे हॉच पॉच है, सब कपड़े सब डले हुए हैं। थोड़ा ऐसे देखिए, ये थोड़ा आउटफिट है, नीचे बूट कट जीन्स है, नीचे वाइट शूज है, उधर ये है तकड़ा। सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो अभी आज का दिन शुरू होता है कुछ ऐसा, क्योंकि मुझे अभी भाई बहुत लगातार शादियां घर में पड़ने वाली हैं, तो हमने क्यों ना थोड़ा सा एक कपड़ा बनवा लें। तो कुर्ता या ब्लेजर में से कोई एक चीज मैं बनवाऊंगा, तो अभी जाना है, कपड़ा लेना है, फिर वहीं से लाइक ले देना है, तो ये सब करा के आएंगे। तो चलते हैं, क्योंकि बहुत शादियां बढ़ने वाली हैं, दोस्तों की भी शादी है और घर में भी शादियां हैं। 1500 और कुछ तो बनवाए ले, बाकी नया नया कपड़ा तो कुछ लिया ही हुआ है मैंने। तो चलते हैं अंदर, सबको तैयार कराते हैं, फिर निकलते हैं। 41:30 मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़े हुए, एक हाथ से एक कान बंद करता हूँ, दूसरा कान बंद कर दो मेरा। बोतल में डालने के बाद ये इसकी आवाज़ और डबल हो जाती है। बोतल की चीथड़े नहीं उड़ते हैं, लेकिन कहीं, लेकिन जब बोतल के अंदर डाल के बजा रहे हैं तो उसकी आवाज़ ही अलग है। गई कहाँ बोतल, ये छिटक के आएगा। अरे तो दूर खड़े हुई है ना। मना कर रहा है, मत करो। गया ऊपर, खिड़की टूट जाएगी मेरी, कांच की, कमरा कमजोर है। वो घास है पूरी। हाँ, घास नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी, मिट्टी का ढेर है। अरे गया नहीं यार, है क्या? लिवर सिर्फ मेरी ही है। ऊपर तो नहीं गई कहीं, यही कहीं होगी ब्लास्ट करके, और कहाँ जाए। देखो तुम्हारी एक बोतल तो ये है, अंदर जा ही नहीं रहा भाई। आजकल काफी ज्यादा बाहर निकलना है, सुबह सुबह अच्छा लगता है, पहले घूमने में मजा आती है, गाड़ी से ठंडा ठंडा एकदम रहता है। चलो आज फिर चलते हैं, थोड़ा बाहर टहल के आते हैं। कैंट में तो अलग ही मजा है। वापस से मोटो ब्लॉगिंग शुरू कर दूँ क्या, मुझे लग रहा है वापस से मोटो ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। तो गाइज़ ये कुछ है पेस्ट, अभी हमने बनाया है टैनिंग के लिए, थोड़ा बहुत टैनिंग आ गई थी तो मैंने कहा इसको लगा लेते हैं। इसमें दही है, हल्दी है और बेसन है और नींबू है, तो ऐसा कुछ है, तो हमने कहा चलो लगा लेते हैं आज। तो भाई अभी आ गए यहाँ पेट्रोल पम्प तक, और देखते हैं इसका कितना टंकी फुल आता है, क्या माइलेज निकल के आता है इस गाड़ी का। मेरे ख्याल से इसको 25 लीटर के हिसाब से, 28 लीटर के हिसाब से आना चाहिए, 28-29 लीटर आना चाहिए इसको। देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है, कितना आता है।
बहुत ही ब्यूटीफुल सजावट भाई। तो अभी जस्ट आए हैं हम लोग, थोड़ा पापा के दोस्त के यहाँ शादी थी, वहीं पे आए हुए हैं। बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल एकदम तगड़ा एकदम सजावट है यार। सो गाइज, काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया, 10-11 दिन का ब्रेक काफ़ी ज़्यादा हो गया। थोड़ा हम कुछ चीज़ों को लेके बड़ा परेशान थे और कुछ चीज़ों से बड़ा ना खुश थे, तो जिसकी वजह से हम थोड़ा अपने चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। थोड़ा सा सेल्फ डाउट था, थोड़ा सा बहुत चीज़ें थी, तो दरअसल उसकी वजह से थोड़ा मेरी हालत अच्छी नहीं थी। तो मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, ना व्लॉग करने में, ना फ़ोन उठाने में और ना किसी चीज़ में। तो जब मेरा किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था तो मैं कुछ बना ही नहीं पा रहा था। ये भी जो भी मैंने बनाया भाई, ये टुकड़ों टुकड़ों में बनाया है। मैं डाल भी इसी ले रहा हूँ क्योंकि कम से कम आप लोगों को ये बात बता सकूँ। अपने से अभी हो नहीं पा रहा था, हो क्या नहीं पा रहा था, मतलब यूट्यूब तो हो रहा है लेकिन अभी अपने से कुछ नहीं हो पा रहा था। ना मैं किसी चीज़ में सेटिस्फाई था और ना मैं किसी चीज़ में खुश था और ना कुछ कर पा रहा हूँ। पूरे दिन भर घर पे रहना, बेड पे पड़े रहना, कहीं ना जाना, ना कुछ खाना ना पीना, तो थोड़ा अलग अलग सीन चल रहा है। तो ऐसा कुछ है, ठीक है, जो है बेहतर है, सब उनके हाथ में है, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। तो इसको कह के फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। वैसे अभी भी मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ, लेकिन ठीक है, जो है सो है। वापस से कंटेंट बनाना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है अभी भी, क्योंकि कुछ टाइम सही लगता है, कुछ टाइम ख़राब लगता है, तो फिर मैं बनाने के मूड में नहीं होता हूँ। तो ऐसा कुछ है। तो ये भाई देख लीजिए, थोड़ा बहुत मैं इधर उधर जाने की कोशिश करता हूँ, सरांज भैया के यहाँ जाता हूँ कि मन बहल जाए थोड़ी देर, ये है वो है। तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा आप हमारा सपोर्ट करिए। आपको अच्छा कंटेंट कुछ दिनों में बस मिलने वाला है और अच्छा आएगा, लेकिन बस थोड़ा सा मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब।